तो हम लोगों ने देखा कि वन वे कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है क्लास से टेम्पलेट की तरफ, राइट? सो वी हैव अनदर मेथड फॉर द सेम कम्युनिकेशन. मीन्स वी हैव सीन इंटरपोलेशन, राइट? दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लास टू टेम्पलेट. नाउ वी विल सी अनदर थिंग. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी बाइंडिंग. दिस इज द अगेन कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लास टू टेम्पलेट. मीन्स वी विल सी प्रॉपर्टी बाइंडिंग, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन इंटरपोलेशन, राइट? नाउ सी व्हाट इज द क्या मतलब है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का? यानी हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, राइट? जो भी यहाँ पे आप क्लास में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है टाइटल, राइट? आप इस प्रॉपर्टी को, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को, प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन ये सारी एक ही बातें हैं, इन एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं, राइट? तो आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को बाइंड किया. यहाँ पर आपने क्या किया था, सेम चीज, टाइटल को आपने इंटरपोलेट करके बाइंड किया था, इंटरपोलेट, राइट? तो यहाँ पर आपके पास, दिस इज द सेकेंड वे टू कम्युनिकेट फ्रॉम क्लास से टेम्पलेट की तरफ, राइट? कैसे? प्रॉपर्टी बाइंडिंग. चलिए देखते हैं कि हम ये चीज कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये आपका प्रॉपर्टी होती क्या चीज है, राइट? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं. मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि जब भी आप कोई HTML टैग लिखते हैं, राइट? मैंने लिखा H1 हेलो, तो ये आपने लिखा HTML में. आप ब्राउजर पे इसे इस तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में इसे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? आप इसे देख भी सकते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है, यही कहलाती है ऑल प्रॉपर्टी, राइट? जिसको आप यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ये और सेंस देगा जब हम क्या बोलते हैं इसे ब्राउजर में देखेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर आते हैं. सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ओके? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इंटरपोलेशन, राइट? तो यानी दिस ये क्या है, इंटरपोलेशन के थ्रू हमने टाइटल को बाइंड किया है. नाउ अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बाइंड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट? तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, राइट? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेरी सिलेक्टर करके, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको एक हैक बताता हूँ. आपको जिसका भी रेफरेंस चाहिए होता है, आप $0 आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे यदि अदर मोर एलिमेंट है, देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यदि यहाँ पर दो एलिमेंट है, राइट? तो यदि मैं इस पर करता हूँ तो ये $0 देने लगेगा. यदि मैं यहाँ इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये $0 देना पड़ेगा. तो ये दिस इज द हैक इनसाइड द गूगल क्रोम, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को कैच कर सकते हैं विदाउट कोई क्वेरी लिखे हुए. तो अभी मैं जाता हूँ और इस $0 से पहले एलिमेंट को ग्रैब करता हूँ. तो पहले इसको रिमूव कर देता हूँ. तो आई एम देयर, एंड देखो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर लिखा $0, क्या आया, ये आया HTML रिप्रेजेंटेशन जो आप यहाँ ब्राउजर में देख रहे हैं, राइट? अब इसका मुझे जावा स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन देखना है, राइट? तो मैं इसको, आप लिखेंगे console.dir, और जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे $0, राइट? तो ये सेम डिप का रिप्रेजेंटेशन इन जावा स्क्रिप्ट ये इस तरीके का होता है, राइट? तो अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टी जो इस डिप के अंदर लिखी हुई है, ये डिप की वैलिड प्रॉपर्टी है, राइट? तो आप किसी भी डिप की वैलिड प्रॉपर्टी को यहां पर बाइंड कर सकते हैं, ओके? देखते हैं. तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML, ओके? सो दिस इज द प्रॉपर्टी. तो मैं इसे कॉपी करता हूं, ओके? और यहां पर मैं एक और डिप बनाता हूं, ओके? मैंने यहां बनाया डिप और मैंने इसे लिखा इनर HTML, राइट? और यहां पर मैंने लिखा टाइटल, राइट? यहां पर आएगा कुछ नहीं. क्यों नहीं आया? क्योंकि एंगुलर इसे नहीं समझ पाएगा कि आप यहां क्या करने जा रहे हैं, राइट? और ये HTML में हम कभी भी इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं करते हैं. यदि हमको बाइंड करना है इनर HTML को, तो हमको सिंपल दो टैग के बीच में लिखना पड़ेगा, राइट? तो इनर HTML को यदि हमको बाइंड करना है, तो हम इस प्रॉपर्टी को बाइंड करना है, तो मुझे एंगुलर को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी बाइंड करने जा रहा हूं. तो ये जो सिंटेक्स है, ये है प्रॉपर्टी बाइंड का सिंटेक्स. जैसे ही मैंने इसे लगाया, सी स्टार टेक्नोफिल इज देयर, तो उसने क्या किया, इस डिप की प्रॉपर्टी को यहां पर बाइंड किया. तो यानी आप किसी भी प्रॉपर्टी को, यदि आप, मैं इस $0 को लूं, यानी यहां पर $0 आया और मैंने यहां console.dir किया,
और मैंने यहाँ पर डॉलर जीरो किया और मैं इस डॉलर जीरो को देखता हूँ, तो यहाँ पर दीज ऑल आर द वैलिड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिव। तो इन सारी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ही है, जैसे आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्टर, और यहाँ पर आप क्या लेते हैं, डिव का रेफरेंस लेते हैं, राइट, डिव डॉट इनर एचटीएमएल। ये जो आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं, और आप तो ये आप किसकी हेल्प के थ्रू करा रहे हैं, ये आप करा रहे हैं जावा इस एंगुलर के हेल्प के थ्रू। यानी यही काम आप किसके थ्रू करा रहे हैं, एंगुलर के थ्रू। तो मैं यहाँ पर मैं इसे कमेंट ले लेता हूँ। सो ये दिस इज द कमेंट कोड, ये आपकी हेल्प के लिए है, ओके। तो ये जो काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते थे, नाउ एंगुलर इज डूइंग फॉर यू, राइट। चलिए कोई दूसरा एलिमेंट बाइंड करके देखते हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट की वैलिड प्रॉपर्टी आप बाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आया इमेज, मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है, राइट, और अब इमेज की मैं क्या बोलते हैं, सोर्स प्रॉपर्टी को बाइंड करना चाहता हूं। तो अभी क्या होने पर, ये टाइटल कहाँ होना चाहिए, यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ओके। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। जब भी आप ब्रैकेट लगा देंगे, तो एंगुलर जो आपने यहां पर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, उसको क्लास के अंदर ढूंढेगा, ठीक है। यानी ये एक एक्सप्रेशन है, ओके, ये एक स्ट्रिंग नहीं है। तो आपने क्या लगाया यहां पे, प्रॉपर्टी बाइंड किया। अभी आई एम गोइंग एंड टू क्रिएट अनदर एलिमेंट, सो दिस इज द इमेज, और यहां पर जाकर मैं एक सोर्स लेता हूं। तो मैंने ऑलरेडी यहां गूगल की इमेज का एक सोर्स की इमेज यहां मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, हम लोग जाके ऐसा कर सकते हैं, राइट, दिस इज द परफेक्ट, राइट। और जैसे मैंने यहां पर किया, हमारे पास गूगल का इमेज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि सोर्स क्या है, देखते हैं हम यहां पर, मैं यहां गया, राइट, हमारे पास डॉलर जीरो है, राइट। कंसोल में जाके मैं देखता हूं, मैं इसको हटाता हूं, डॉलर जीरो, सो दिस इज द एचटीएमएल रिप्रेजेंटेशन। यदि अब मुझे देखना है इसका क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन, कंसोल डॉट डी आई आर, और यहां पर जाके मैंने डॉलर जीरो को किया, और ये देखो इमेज। तो इमेज के अंदर एक वैलिड प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सोर्स, राइट, एसआरसी। सो देयर इज द प्रॉपर्टी दैट इज द एसआरसी, ओके। सो दिस इज द एसआरसी। यदि अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू बदलनी है इसे, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके, और यहां पर मैं इसे क्या दूंगा, इमेज को पहले सर्च करूंगा, इमेज and then source, then I can change my image. If I give another source, ये मेरा image change हो जाएगा, right? तो ये same चीज मैं किसके through करवा रहा हूँ, angular के through, right? तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, तो for your help, तो ये same element you are binding there, पर कैसे, कैसे करने वाले हैं, तो आप इस image को क्या करेंगे, you will not write there, मैं इसे ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहां पर आप लिखेंगे इसे लोगो, दिस इज द स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसको दिया, और अब मैं क्या कर सकता हूं, लोगो को यहां पर बाइंड कर सकता हूं। यदि मैंने लोगो दिया तो क्या होगा, यहां पर कोई इमेज नहीं आएगी, क्योंकि यह है एक स्ट्रिंग, राइट। बट अब यदि मुझे गूगल को कहना है कि नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये एक प्रॉपर्टी है जो हमारी क्लास में है, आप उसे देखिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम एचटीएमएल में सारी के सारे, राइट, यहां पर हम इनर एचटीएमएल को इस तरह से हम सिंपल एचटीएमएल में एट्रीब्यूट बाइंड नहीं कर सकते, राइट, बट इनर एचटीएमएल को हमको जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते थे, वो हम यहां पर डायरेक्ट टेम्पलेट में कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंड। सो हम ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द वैलिड प्रॉपर्टी हम लोग बाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो आपका इंटरपोलेशन है, ये क्या चीज है। इंटरपोलेशन इज अ इजी सिंटैक्स और शुगर सिंटैक्स फॉर द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। यानी आपने ये किया है, राइट, तो यानी ये जो कन्वर्ट हो रहा है वो इसी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपने यदि डिप टाइटल किया है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब यही चीज है,
यानी यहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रही है, राइट। तो ये है सुगर सिंटेक्स, यानी एक क्लीन सिंटेक्स जिसको आप यहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहे हैं, यानी बिहाइंड द सीन यहां पर ये इनर एचटीएमएल ही बाइंड हो रहा है। बट तो यहां पर तो चलेगा, लेकिन आपको यदि और भी प्रॉपर्टी बाइंड करनी है तो यू कैन टेक अनादर प्रॉपर्टी, यू कैन टेक अनादर प्रॉपर्टी एंड बाइंड लाइक दिस। हमेशा बस एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने इक्वल टू के बाद प्रॉपर्टी, आपने यदि ब्रैकेट लगाया हुआ है और इक्वल टू के बाद यदि आप कुछ वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वो कहां देखेगा, सर्च करेगा क्लास। सो दिस इज द अनादर अनादर वे टू कम्युनिकेट फ्रॉम क्लास टू टेम्पलेट। तो यदि हम लोग देखते हैं, चलिए वी सी अनादर एग्जाम्पल। इफ आई हैव इनपुट, राइट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके, अभी मुझे यहां पर वैल्यू देनी है, राइट, वैल्यू देनी है, राइट, तो मैं यहां पर क्या दे सकता हूं, सारंग जैन। सो दिस इज द वैल्यू, राइट, सारंग जैन। बट अब ये जो मैंने वैल्यू दी है, अब मैं डायनेमिकली देना चाहता हूं, राइट, डायनेमिकली देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग देयर और यहां मैं लिखता हूं नेम स्ट्रिंग स्ट्रिंग इक्वल टू सारंग जैन। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लगाऊंगा, करली ब्रेसेस। अभी ये एरर क्यों देने लगा, क्योंकि सारंग जैन तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं है इस, और ये क्या कर रहा है, जैसे ही आपने यहां पे करली ब्रेसेस लगाया, ये अब स्ट्रिंग नहीं रहा, अब ये क्या है, एक्सप्रेशन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, क्लास के अंदर इस एक्सप्रेशन को सर्च कर रहा है, इस वेरिएबल को सर्च कर रहा है, राइट। तो यहां पर अभी क्या है, इस एक्सप्रेशन का नाम नेम, तो जैसे ही मैंने नेम लिखा तो कहेगा सारंग। तब इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, राइट, जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपके पास कई सारे यूजर एक्शन होते हैं, राइट, जिसको आप डायनेमिकली इन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, राइट, और जैसे ये वेरिएबल चेंज होंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो एंगुलर्स का ख्याल रखता है, राइट। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि हम चीजों को इंटरपोलेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बाइंड कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो यहाँ ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग, सो दिस इज नॉट अबाउट द एंगुलर, दिस इज अबाउट द जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो जो भी आपका टैग है वो जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, राइट। तो जिस तरीके से यदि आप, ये आपका इनपुट है, राइट, तो आप इस डॉलर जीरो को जब यहाँ देखेंगे तो ये देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और ये रहा आपका डॉलर जीरो, ठीक है, आया ये आया HTML फॉर्म। अभी यदि आपको देखना है console.dir, और यहाँ पर आप डॉलर जीरो जब देखेंगे तो ये आ गया इसका जावा स्क्रिप्ट फॉर्म, राइट। इन साइड द जावा स्क्रिप्ट दीज ऑल आर द वैलिड प्रॉपर्टी, राइट। इफ यू राइट समथिंग एल्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट, तो वो हमको एरर देगा, राइट। यदि आपने लिखा एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड, और यदि आपने कुछ किया, मान लीजिए आपने नेम को बाइंड किया, दिस विल गिव एरर, राइट। व्हाट इज द एरर इज गिविंग, कि भाई एक्स वाई जेड इज द नॉट नोन प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। तो हमारी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कहां प्रेजेंट होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप चेक करिए और यू कैन ट्राई टू बाइंड मोर प्रॉपर्टी। सो दिस इज अबाउट द इंटरपोलेशन, दिस इज द शुगर फ्री सिंटेक्स फॉर दिस प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वन वे कम्युनिकेशन यूजिंग property binding.